नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजीव शंखवार है। मेरा यूट्यूब चैनल है फोन एंड फ्लोरा फॉर यू। आज हम FRI देहरादून में आए हैं, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे लोगों ने आते बहुत है टूरिस्ट, लेकिन लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि पेड़ किस चीज़ के। तो ये पेड़ है कपूर के। ये हाँ, वही कपूर जिसके हम रोज़ पूजा करते हैं, जिसके टिक्के जलाते हैं और इससे अपने घर और आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो उसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम बात करते हैं डॉक्टर विजय वर्धन पांडे जी से। आप सभी को फिर से नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय वर्धन पांडे। आज मैं आपको कपूर पेड़ के बारे में बहुत सारी जानकारी देना चाहता हूँ। आप देखिए कि लोग FRI आते हैं और वो बहुत जगह म्यूजियम्स हैं, चीज़ों को देखते हैं, परंतु पेड़ पौधों के बारे में जानकारी कम रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ जाने। आज मैं खड़ा हुआ हूँ जो कपूर के सारे पेड़ हैं, आप देखिए यहाँ लाइन से सारे कपूर के पेड़ लगे हुए हैं और शायद नीचे यहाँ कुछ पत्तियाँ गिरी होंगी, मैं उसको दिखा के बताता हूँ। ये देखिए, ये है कपूर का एक गुच्छा जो निकला हुआ है उसके ट्री का, और इसको जैसे आप रगड़ेंगे तो बहुत सुगंध आती है। आप लोग जैसे पूजा पाठ में कपूर का यूज करते हैं, कई सारी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। इसको वैज्ञानिक नाम होता है सिनामोनम कैम्फोरा, जो होती है हार्डवुड, उससे कपूर निकाला जाता था। परंतु हार्डवुड निकालने से मतलब क्या है कि पेड़ को काटना पड़ेगा या पेड़ को नुकसान होगा, तो अब नए मेथड के द्वारा इसकी लीव्स निकाली जाती हैं और कुछ अन्य केमिकल प्रोसीजर हैं जिससे उसको बनाया जाता है। हम पूजा पाठ के साथ साथ इसको जोड़ सकते हैं कि पूजा में हम यूज करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि पर्यावरण का जो भी ज़रूरत है वो पेड़ पौधों के साथ साथ तो है ही है, साथ साथ हम उसको पर्यावरण से, पूजा पाठ से, धार्मिक चीज़ों में भी जोड़ सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वृक्षों का संरक्षण करें, वृक्षों को बचाएँ, और FRI आएँ तो आप कपूर के पेड़ ज़रूर देखें, उनके महक लें। हाँ, पत्तियाँ ना तोड़ें, जो नीचे गिरी पत्तियाँ हैं उनसे ही लें और इस पेड़ को संरक्षण दें। और मैं एक बार फिर से राजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे चैनल पर बुलाया। उनके चैनल का नाम है फौना एंड फ्लोरा फॉर यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।